सवारात की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में यही बात चलती है, या तो घोड़ी पर सवार होकर दुल्हा आएगा या फिर किसी लग्जरी कार में। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की। हाल फिलहाल में उनकी राघव चड्ढा के साथ सगाई हुई और अब चर्चा में है अपनी शादी की वजह से। शादी के बंधन में बंधने वाली है परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा के साथ। आपको बताते चले कि राघव और परिणीति चोपड़ा की शादी को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों एक ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं और इसी ग्रैंड वेडिंग में सब कुछ अलग होने वाला है। नॉर्मल जो बराती होते हैं या फिर जो दुल्हा होता है वो गाड़ी से आता है या फिर घोड़ी से, लेकिन इस बार राघव चड्ढा को लेकर कुछ अलग होगा। राघव चड्ढा इस बार अपनी बारात लेकर घोड़ी या गाड़ी में नहीं बल्कि नाव पर आएंगे। क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। नाव पर सवार होकर आएंगे परिणीति चोपड़ा के दुल्हे राजा यानी कि राघव चड्ढा। झीलों के शहर उदयपुर में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। परिणीति राघव की शादी को लेकर लगातार नई खबरें सामने आ रही है। 23 सितंबर से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। 25 सितंबर को परिणीति राघव हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। ये जोड़ी शादी के बंधन में बन जाएगी। इस बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई अपडेट। परिणीति की बारात बेहद ही खास होने वाली है। ये बारात हाथी या घोड़े पर नहीं झीलों के शहर में नाव पर सवार होकर राघव चड्ढा अपनी बारात लेकर जाएंगे। उदयपुर का लीला पैलेस पानी के बीच बना हुआ है। ऐसे में बारात को पैलेस तक ले जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना जरूरी है। हालांकि परिणीति राघव की शादी का ये नजारा देखने लायक होगा। दुल्हे राजा राघव चड्ढा नाव में सवार होकर आएंगे कैसे? नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।